जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल उनके लिए अपडेट ये है कि आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो जो रहेंगे वो 33% ही रहेंगे क्लास 10th के लिए भी क्लास 12th के लिए भी। यानी कि आपको मान लो आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो उसका 33% अगर आप कैलकुलेट करेंगे अराउंड 26 आएगा। तो इतने मार्क्स आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अगर 70 नंबर का पेपर होगा तो 23 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अगर 100 नंबर का पेपर होगा तो आपको 33 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अगर हम बात करें क्लास 12th की तो 12th के अंदर थ्योरी में अलग पास होना है और प्रैक्टिकल में अलग पास होना होता है। यानी कि 70 में से 23 चाहिए और जो बच्चे में 30 नंबर हैं उसमें से भी अलग से पास होना होता है। ये 12th के लिए होता है। लेकिन 10th में ऐसा नहीं होता। 10th क्लास वालों को फ़ायदा मिलता है वो दोनों मिला के पास होना। यानी कि मान लो आपको 70 नंबर का पेपर है और आपके 50 नंबर आ गए और प्रैक्टिकल में आपके 0 आ गए तब भी आप पास हो जाओगे। तो दोनों मिला के पास होना होता है क्लास 10th में, जबकि क्लास 12th में अलग अलग पास होना होता है। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है। बाकी चाहिए कितना, 33% चाहिए होता है मिनिमम पास होने के लिए।